वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज। तो गाइस आज से हम खेलने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। अबे साले, और इसमें हम काफी सारी चीजें करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्पॉन हुआ, मेरे सामने प्लेस था और मुझे लकड़ी काटनी थी, तो लकड़ी काट लेते हैं। मैंने लकड़ी काट ली है और मुझे एडवांसमेंट भी मिल चुकी है गेटिंग वुड। अब मुझे इनसे थोड़े बहुत टूल्स बनाए, जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल और पिकैक्स वगैरह, क्योंकि यार बाकी के आइटम्स बेकार होते हैं और उन बेकार चीज़ को मैं बनाने ही वाला, क्योंकि यार उनको बना के मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा। तो उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी क्राफ्टिंग टेबल बना ली और अब मुझे इससे बनानी है पिकैक्स। सबसे पहले इसे रख देता हूँ मैं यहाँ पे और अब इससे बना लेता हूँ एक पिकैक्स। और आप लोग तब तक लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं अपनी पिकैक्स बना लेता हूँ, मेरी पिकैक्स बन चुकी है और अब मैं कॉबलस्टोन इकट्ठा करने जाता हूँ। और सामने मुझे एक विंड पोर्टल दिख रहा है जिसे हम लूट सकते हैं, तो वहाँ पे ही चलते हैं। और वैसे भी मुझे विलेज भी लूटना है तो उसे भी लूट लेंगे, सो लेट्स गो। यार मगर पीछे का विलेज नहीं लूटा, मैं उसे लूटता हूँ और फिर आगे की तरफ चलता हूँ। मगर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। और ये मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आता हूँ और हाँ, तो सबसे पहले इस वाले घर को लूटे हैं। इसके अंदर तो कुछ नहीं, खाली एक बेड था और यहाँ पे सामने एक टूल स्मिथ का घर है। तो चलो टूल स्मिथ के घर में चलते हैं, मगर ये फर्नेस तोड़ लेते हैं, हमारे काम आ जाएंगे ना। तो अब मैं टूल स्मिथ के घर के अंदर चलता हूँ, इसकी चेस्ट खोलते हैं। चलो बढ़िया आइटम है यार, चेस्ट प्लेट में की आयरन की, एक स्वॉर्ड, एप्पल ब्रेड और डायमंड और सारा सामान। खैर अच्छी लूटी, सही लूटी, एडवांसमेंट भी मिल गई मुझे, सूटअप भी कर लिया हमने। और वही चलते हैं अब। अरे टूल स्मिथ के सामने यार एक और टूल स्मिथ का घर था यार, जो मैंने अभी लिया था उसके सामने एक और था ऐसे। तो उसके अंदर वाओ, तीन डायमंड, यार तीन डायमंड मिल गए मुझे, एक आयरन की चेस्ट प्लेट, एक आयरन का हेलमेट और चार ऑब्सीडियन और चार एप्पल और दो गोल्ड। अब इनको पहन लेता हूँ। अरे यार चल बाहर चलते हैं, यहाँ पे भी फर्नेस है, इन्हें भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि जितने फर्नेस होंगे हमारे स्मेल्टिंग का काम उतना ज़्यादा आसान होगा। तो अब बाहर चलता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक चेस्ट से भी देख लेता हूँ। इसके अंदर तो एक लेदर की पैंट्स है और थोड़ा बहुत लेदर है इसके अंदर। तो मेरे सामने विंड पोर्टल है तो उसे लूटने भी चलते हैं और आराम से मस्त पार्कोर करते हुए जाएंगे। खैर ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं अपने पार्कोर की वीडियो भी डालूंगा गाइस, आप कमेंट करके बताना। इसके अंदर एक एनचेंटेड सवाल है और एक एनचेंटेड हेलमेट है गोल्ड का और एक प्रेसर प्लेट है गोल्ड की और पांच ऑब्सीडियंस हैं और एक फायर चार्ज है। एक भी गोल्ड का ब्लॉक नहीं दिख रहा है यार, लगता है इस वाले पोर्टल में गोल्ड का ब्लॉक है ही नहीं या फिर मैं अच्छे से नहीं ढूंढ रहा। फिर अभी तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं गोल्ड का ब्लॉक ढूंढूं, है गोल्ड का ब्लॉक हम बाद में ढूंढेंगे यार, अभी तो और जगह पे चलता हूँ। बेड लगा देता हूँ अपने, यहाँ पे लगा देता हूँ एक चेस्ट और अपने रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं मर गया तो कहीं और स्पॉन नहीं होना चाहता। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें लगा दी हैं और मैं सीधा नीचे डिक करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टोन की सख्त ज़रूरत है यार। स्टोन लेऊँगा फिर उससे अपने लिए ठीक ठाक चीज़ें बनाऊँगा। तो मैं फटाफट से स्टोन तोड़ लेता हूँ, स्टोन मैंने तोड़ लिया है और अब मैं अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। तो मेरे स्टोन के टूल्स भी बन चुके हैं और मैं फिर से जाऊँगा नीचे और आयरन ढूँढूँगा। तो मुझे आयरन मिल चुका है गाइस, यहाँ पे आयरन है, काफ़ी सारा आयरन है, मतलब मैं ऐसे ही काफ़ी सारे आयरन ढूंढूंगा और आपसे मिल लूँगा अपना आयरन का पूरा आर्मर बनाने के बाद। तो गाइस मैंने जितना मुझे आयरन की ज़रूरत थी मैंने उतना ले लिया और अब ऊपर आन के से स्मेल्ट कर देता हूँ, जल्दी से स्मेल्ट हो तो मैं इससे अपना आर्मर बनाऊँ। अरे ड्राउन,
हाँ तो मेरा पूरा आयरन स्मेल्ट हो चुका है और मैं इससे अपना पूरा आर्मर बना सकता हूँ। सबसे पहले पैंट्स, बूट्स, बकेट, चेस्ट प्लेट और वो हेलमेट तो मेरे पास पहले से ही है। कुछ बूट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे शील्ड की ज़रूरत है यार। और अब अपना आयरन का आर्मर फुल पहन लेता हूँ। और अब मैंने अपना आयरन का आर्मर पहन लिया है तो मैं थोड़ी फार्मिंग भी कर लेता हूँ। सबसे पहले फालतू की चीज़ को हटाओ, उसके लिए ग्रेवल हटानी पड़ेगी मुझे, तो उस ग्रेवल को हटा देता हूँ। हाँ तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर दी हूँ और बस मुझे यहाँ पे होम आनी है। फटाफट से होम आते हैं, थोड़ा फार्मलैंड बना देते हैं इस जगह को, या खाने की भी तो ज़रूरत होती है। तो मैंने सब जगह पे फार्म मतलब फार्मिंग का वो बना दिया एरिया और मैं सीड भी तोड़ के लेके आ चुका हूँ। अब इन सबको प्लांट करना है और मुझे एडवांसमेंट भी मिल गई ए सीडी प्लेस। और अब मैं थोड़ी सी और सीड तोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं वो भरा नहीं है पूरा, तो थोड़ी सी और सीड तोड़ लेता हूँ। तो मैं सीड तोड़ ली मैंने और अब इन्हें लगा रहा हूँ। तो सीड तो लग गई मेरे पूरे एरिया में और अब मुझे शुगर केन की ज़रूरत है यार, और तो मुझे शुगर केन तोड़ के लाना पड़ेगा। तो डिसाइड होगा, चलो तो शुगर केन तोड़ने चलता हूँ क्योंकि यार शुगर केन मिलेगा तभी तो हम अपनी एन्चेंटमेंट टेबल के बुक सेल्फ बना पाएंगे। अब बुक सेल्फ बनेंगे तभी हमारी एन्चेंटमेंट टेबल काम करेगी। तो ये मेरा आखिरी शुगर केन है और वैसे भी रात होने वाली है तो घर पे चलता हूँ। सुबह हो चुकी है और मैं सारे अपने शुगर केन लेके आ चुका हूँ, मगर मुझे थोड़ी सेंट की जरूरत थी लगाने के लिए। मैं वहाँ से नहीं तोड़ना चाहता, वहाँ यहाँ पे से तोड़ना चाहता हूँ, वरना एरिया ख़राब हो गया यार। मगर इस आइलैंड पे एक मैंगो की बायोम भी है यार और मन करता हूँ वैसे। और मुझे पानी के अंदर एक बड़ी ट्रेजर मिल गया बिना किसी मैप के, एक डायमंड, तीन आयरन, एक एन्चेंटेड ब्लूटन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी आज। और ये आयरन गोलम यहाँ पे क्या आ गया, क्या उसे छोड़ो, अपना सारा सामान रखवा देता हूँ। मैंने एक डबल चेस्ट बना ली गाइस क्योंकि सामान ज़्यादा था और चेस्ट छोटी भर रही थी। तो मैंने अब यहाँ पे सेंट लगा दी है और मैंने पूरे एरिया ठीक कर लिया है। अब बस वारी है शुगर केन को लगाने की, तो शुगर केन भी लगा देते हैं। सारे शुगर केन लगाने पड़ेंगे, जितने गाय से ज़्यादा शुगर केन होंगे उतनी हमारी बुक सेल्फ बन पाएंगी। तो शुगर केन का काम तो बस पूरा होने ही वाला है। ग्रेवल को तोड़ के यहाँ पे सेंट देता हूँ और यहाँ पे भी शुगर केन लगा देता हूँ। तो मेरे शुगर केन लग चुके हैं और मेरे फार्मिंग भी हो चुकी है, तो अब बस मुझे डायमंड की तलाश है, यानी कि डायमंड मुझे चाहिए होंगे ताकि मैं अपना पूरा आर्मर बना सकूँ। क्योंकि गाइस डायमंड का आर्मर चाहिए ना मुझको, बिना डायमंड के आर्मर के आखिर मैं क्या करूँगा, नैदर कैसे जाऊँगा, नैदर में तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। मॉब्स वहाँ के काफ़ी ख़तरनाक होते हैं गाइस, इसलिए हमें डायमंड के आर्मर की ज़रूरत होगी, डायमंड का आर्मर ढूंढते हैं। गाइस मैं माइनिंग कर रहा था तभी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गोल्ड मिल गया। वाओ काफ़ी अच्छी बात है, मुझे स्ट्रॉन्ग गोल्ड मिल गया, मतलब यार मेरे से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। पहले इधर साइड चलते हैं, इधर साइड तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अब इधर साइड चलते हैं। यार स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाए तो वो और अच्छी बात होगी। क्या यहाँ पे चेस्ट मिल गया मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की जगह, कुछ अच्छा तो है नहीं वैसे चेस्ट के अंदर। तो अब मैं एक और दूसरी जगह पे आ चुका हूँ, यार स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे मिल ही नहीं रहा, शायद से यहाँ से मिल जाए।
मुझे गैस लगभग 15-20 मिनट हो चुकी हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते, मगर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिला। ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, मेरे ख्याल से मुझे वापस जाना चाहिए। वो गैस सामने देखिए, मुझे एक लाइब्रेरी मिल गई स्ट्रॉन्ग होल्ड की। यहाँ पे से काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी जितनी मुझे नहीं चाहिए उससे ज़्यादा, और थोड़ा बहुत चेस्ट में, चेस्ट भी मिल सकता है मुझे यार यहाँ से। मैंने जैसा कहा था चेस्ट मिला मुझे, और उसमें इन्फिनिटी पिक्चर्स वगैरह कुछ ऐसी बुक्स हैं और थोड़े बहुत पेपर्स हैं। मैंने सारे बुक सेल्फ को तोड़ता हूँ, और मुझे यहाँ पे एक और हिडन चेस्ट मिला है जिसके अंदर और भी एन्चेंटेड बुक हैं और कुछ नॉर्मल बुक हैं और थोड़े बहुत पेपर हैं। तो ये सारे पेपर ले लेता हूँ। क्या मैंने पूरा नीचे का तो ले लिया, ऊपर का मेरा लेने का नहीं है साइड वगैरह का, तो वापस चलता हूँ यार क्योंकि मुझे स्टोन वोट मिल नहीं रहा। तो मैंने माइनिंग कर करके डायमंड्स तो ढूंढ लिए, थोड़े आसपास मुझे डायमंड्स मिल गए, तो अभी इन डायमंड्स को माइन कर लेते हैं। और मैं इतने डायमंड लूँगा कि आराम से मेरे टूल और आर्मर वगैरह सब कुछ बन जाए। आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। मेरी आयरन की पिकेक्स, हाँ मेरी इन्वेंट्री में ही थी। खैर मेरी काफ़ी सारी एडवांसमेंट पूरी हो चुकी है गाइस, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। अगर आपको ये भी एडवांसमेंट चाहिए आप लोगों को, तो मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया इस चीज़ के ऊपर स्पेशली एडवांसमेंट का, आप उसे जान के देख सकते हैं। तब तो मैं बाहर आ चुका हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे डायमंड्स भी है, सफिशियंट है मेरे आर्मर बनाने के लिए। तो खैर मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम मिला और मैंने सोचा क्यों ना इसे अबे साले डंक करे, मगर अब तो मेरे पीछे ही पड़ गया यार, ये तो मुझे मार देगा इसलिए मुझे इसे मारना पड़ेगा। क्या वैसे मैंने इसे टंक ही क्यों करा, मुझे आयरन की तो ज़रूरत ही नहीं। वैसे भी मुझे आयरन तो मिल ही चुका है, फिर का आयरन मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, आयरन लेते हैं और चलते हैं अपने बेस की तरफ। क्या मेरा प्रॉपर बेस नहीं है, मैं अपने एकदम प्रॉपर बेस बनाऊंगा गाइस अगले वीडियो में, एकदम मस्त घर बनेंगे, आप भी कहेंगे काफ़ी अच्छा घर बनाए। अभी तो यहाँ पे आ जाते हैं और बारिश चालू क्यों हो गई। सबसे पहले तो मुझे अपना आर्मर बनाना है, और फिर आर्मर बना के मुझे थोड़ी बहुत टूल्स भी बनाने हैं, तो आर्मर बना लेता हूँ। सबसे पहले एक हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स, और मेरी इन्वेंट्री में और जगह नहीं है टूल्स रखने की, इसलिए मुझे पहले अपनी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी। तो इन्वेंट्री खाली कर लेता हूँ यार, काफ़ी सारा सामान है ना मेरे पास। तो गैस मैंने अपना पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया है, डायमंड का आर्मर पहनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हम पूरे सिक्योर हो चुके हैं और हम नेदर भी जा सकते हैं। मेरे पास डायमंड के साइड टूल्स भी आ चुके हैं, खाने पीने का भी इंतज़ाम हो चुका है, अब बस हमें नेदर जाना है। नेदर में से और भी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमें फोर्ट्रेस ढूंढना होगा, और अगर बेसिक मिल जाए तो और भी अच्छी बात होगी।